राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद और सीडीओ मौजूद हुए। सांसद और सीडीओ ने आशाओं को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। आपको बता चले, जनपद रामपुर के जिला सहकारी बैंक सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद घनश्याम सिंह लोधी और सीडीओ नंद किशोर कलाल मौजूद रहे। सीडीओ और सांसद द्वारा स्वास्थ्य विभाग में सराहनीय कार्य करने वाली आशाओं को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं अब आइए सुनते हैं सीएमओ एसपी सिंह और क्या कह रहे हैं। देखिए, आज जो है जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय सांसद जी थे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे जो है सीडीओ श्री नंद किशोर कलाल जी थे और मोहन सिंह सैनी जो इसके रामपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं वो थे। इसमें जिले की सभी आशाएं थीं, इसमें जो सीएचओ थे, इसमें हमारी संगनी थी, इसमें हमारी स्टाफ नर्सें थी, हमारे मेडिकल अफसर थे, बाकी हमारे एसीएमओ थे और हमारे डिप्टी सीएमओ थे और सभी हमारा पूरा स्टाफ था। तो इसमें जो अच्छा काम पूरे वर्ष में जो इन आशाओं ने किया है, उनको 21 आशाओं को उनको प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित किया गया है और उसी में जो इनकी धनराशि 5,000 रुपये किसी ब्लॉक की पहली आशा को मिलता है, फिर सेकंड नंबर को 3,000, फिर 1,000 ये धनराशि दी गई है, उनके अकाउंट में भेजी गई है। इसके अलावा जो 10 सीएचओ थे जिनको हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हैं उनके द्वारा से वहाँ से बधाई पत्र भेजे थे, वो इनको माननीय जो अध्यक्ष जी थे, सांसद जी थे, उनके द्वारा उनको ये दिया गया है, प्रशस्ति पत्र डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का क्या प्रयास है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है, जब भी प्रयास है इसीलिए तो रामपुर जनपद जो है टीबी में प्रथम स्थान पर है पिछले वर्ष भी, और अभी जो जनवरी से लागू हुआ है उसमें भी रामपुर 91.7% के साथ में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इसमें कल स्टेट से जो है हमारे पास फ़ोन भी आया था और उन्होंने बधाई दी है कि डीएम सर को भी अवगत कराएं कि आपका जनपद जो है पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। दूसरा, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, इसमें पूरे प्रदेश को 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए निर्देश थे, जनपद रामपुर ने 104% पूरा किया है और ये प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। इसी तरह से हमारी योजना है और हमारा प्रयास है कि हम जो है रामपुर में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं वो जन जन तक पहुँचे। कितनी आशाओं को सम्मानित हुए सर आज? 21 आशाओं को सम्मानित किया गया है, प्रत्येक ब्लॉक से तो 3-3 आशाएं।